सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। जय हो। अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, हेमरदनै सुरे नमः, भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम, यही हरि नाम यही हरि धाम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, विंगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, विंगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रभुर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयारविन्द, भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता जविदा, त्वमेव त्वमेव बन्धु जजगा, त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रवणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जले श्रीकर्णम पुष्पादि देवादिवंदनम आत्माभिवंदनम। पुष्प दे दीजिए हाथ में। ओम झदनेन झदनमय झंत देवास्थानि धर्माण प्रथमान्या सन्दादेह नागं वैमानः सचंत्र झदन पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्त्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम पंचवेदाय विद्महे ज्ञान गंगा धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजं पटपाटलाब्जै पुण्या गजाद करभीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। सुमन सुगंधित सुमन लिए सुमन सुगंधि सुजान, पुष्पांजलि अर्पण करो करो कृष्ण स्वीकार। सब कुछ देना आपने
भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है जोड़ो दोनों हाथ। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजल रमया दत्तो ग्रहण परमेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलिए कृष्ण चंद भगवान की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तजन आरती लेकर के अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं और शांति के साथ में आज प्रथम दिवस की इस दिव्य पावन वेला को श्रद्धा के साथ में श्रवण करें और अपने चित्त को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाएं, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप सभी भक्तजनों को ठाकुर जी के हृदय स्वरूप श्री धाम वृंदावन में बैठ करके ठाकुर जी की पावन लीलाओं को श्रवण करने का एवं उनकी इस पावन धरा में बैठ करके सम्मिलित होने का ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसे व्यर्थ ना जाने दें, शीघ्र अति शीघ्र जो भक्त अभी नहीं आए हैं वो आकर के इस पावन प्रांगण में आएं और आज प्रथम दिवस की इस दिव्य बेला को अपने जीवन में धारण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। स्वस्वती श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्ये नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमले श्री राधे। बोले भागवत भगवान की। सभी लोग परम हर्ष पूज्य सतगुरुदेव भगवान आप सबके पधार रहे हैं, खड़े होकर के पूज्य आचार चरणों का स्वागत करेंगे सभी लोग। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। पो
पूज्य स्वामी जी के द्वारा पूर्णिमा किशोर जी को पगड़ी के द्वारा व्यासपीठ पर सम्मान और व्यासपीठ पर विराजमान कराते हुए पूज्य सतगुरुदेव भगवान हरी बोल। हम सबके मध्य में जानकी भवन पीठाधिपति श्री श्री खंजाराट महामंडलेश्वर श्री चक्र चूड़ामणि पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। यह हम सबका परम सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य श्री हमारी गुरु बहन पूर्णिमा किशोरी जी श्री धाम वृंदावन में अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से अपने दादा दादी नाना नानी सभी जो उनके रिलेशन में आने वाले सभी परिकर हैं माता पिता चाचा चाची आदि सभी के आशीर्वाद को लेकर के श्री धाम वृंदावन में पधारे। विगत वर्षों से उनके माता पिता का परम संघर्ष रहा बच्ची को लेकर के श्री धाम वृंदावन में वैदिक आचार और भागवत के परंपरा में अनुगत कराते हुए हमारे पूर्णिमा किशोरी जी को भागवत का वेदाध्ययन भागवत अध्ययन कराया। संतों के बीच में जहां जहां जाकर के सत्संग आदि श्रवण कराया और आज वह परम सौभाग्य हम सबके बीच में आया वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में यह ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र और ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र में यमुना पुलिन यमुना तट श्री जानकी भवन में अपने गुरु स्थान से भागवत कथा की शुभारंभ की प्रथम बेला में हम सब लोग एकत्र हुए हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की परम कृपा और आशीर्वाद को अनुग्रहित करते हुए भागवत में लिखा हुआ है मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की कथा अनंत है और भगवान की लीलाएं अनंत है। हरि कथा की महिमा और कथा का कोई मध्य प्रारंभ और अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनाई बहुविधि सब संता जे यही गावे चरित सवारे ते पुनि ताल चतुर रखवारे। तो भगवान की ऐसी पावन कथा को हम सब लोग श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम जो हमारे भागवत के आचार है उनसे कहेंगे कि दो मिनट आशीर्वचन के रूप में पूज्य गुरुदेव भगवान से पूर्णिमा किशोरी जी गुरु बहन के लिए आशीर्वचन श्रवण करेंगे और पूज्य संत कृपा से ही भगवत व्यास भगवत कथा करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन सभी आचार संतों के महानुभावों के श्री चरणों में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कि वो अपना समय निकाल करके इस समय के लिए अपनी कथा को भी पोस्टपेड करके यहाँ पर रहे ब्रज में और आज कथा में आप व्यासपीठ पर छोटी सी किशोरी के रूप में हरि इच्छा के रूप में व्यासपीठ पर हमारी बहन जी विराजमान है। मैं पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो। जय श्री राधे जय श्री श्याम। श्री हरि हा हा
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जे मुदीरे अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामाग्र गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन करौं नासहि विघ्न अनेक वंदे ब्रज वसुंधराम बरात पर परात पर खनेश्वर सर्वेश्वर भूतेश्वर प्राणेश्वर नर्वदेश्वर अनंतानंत अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वनियंता सर्वनियामक सर्वव्यापक आनंद कंद कौशल्यानंद वर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम तड़ित बिरिंदित पीतांबर धारी मयूर मुक्ति नंद नंदन यशोदा नंद वर्धन प्रभु श्री बाल कृष्ण लाल की अद्भुत छटा का अवलोकन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की असीम अनुकंपा काय प्रतिमूर्त प्रतिफल है कि ज्ञान गुदड़ी में जानकी भवन पीठ सदगुरुदेव सानिध्यता में और हनुमंत लाल की ऐसी मनकंपा का प्रतिफल जहां पर ये श्रीमद्भागवत का दिव्य सप्ताह ज्ञान यज्ञ महायज्ञ के रूप में आज से शुभारंभ होने जा रहा है। यह आयोजक परिवार राजस्थान की वह दिव्य भक्ति की धारा में ओतप्रोत वह परिवार जो कि पूर्णिमा किशोरी परमात्मा के चरणों में पता नहीं जन्म जन्मांतर से युग युगांतर से कल्प कल्पांतर से कितने दिनों से उसके अंतःकरण में प्रारब्ध के वो बीज अंकुरित हुए होंगे तो शायद आज वो अपनी उस भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में बैठ करके भक्ति का पौधा रोपण करने जा रही है। मेरे भाई बहन जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जीवन के जब पुण्य उदय होते हैं
प्रारब्ध जब समाप्त होते हैं और कर्म के जब पुण्य के पुष्प खिलते हैं तो जीवन में वो भागवत रूपी फल का रस स्वादन करने को मिलता है। जीवन की समाधि और बड़े बड़े अमलात्मा योगिंद्र और मुनिंद्र, अमलात्मा महात्मा भी जो समाधि में रहने वाले हैं, जो एकांत में निवास करने वाले हैं, जो अष्टांग सिद्धि को पाने के बाद में भी, लेकिन भाई बहन वो भी श्रीमद् भागवत और राम कथा के उस रसपान करने के लिए दौड़े चले आते हैं। वो है पूर्णबा किशोरी के माता पिता और संपूर्ण परिवार, उनके रिलेटिव, जो भी भाई बंधु यहां पर श्रीधाम वृंदावन में पधारे हैं, बहुत भाग्यशाली है। बोलो राधे राधे। भाई मेरे, ये वृंदावन में आना यूं ही नहीं होता, वृंदावन में हर कोई नहीं आ पाता। और एक दिन देश देशांतर से पर्यटन करने के लिए लोग आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके चले जाते हैं, लेकिन यहां पर निवास नहीं कर पाते, निवास नहीं कर पाते। जीवन में ऐसा क्षण मिला है, जीवन में ऐसा एक पल मिला है, जीवन में कुछ सीखने के लिए, और श्रीधाम वृंदावन की उस प्रेम भूमि में आपका पदार्पण हुआ है, तो उन 7 दिनों को बड़े सौहार्द से और प्रेम से जीने का प्रयास करना। एक बात और कहूं, आप वृंदावन आए हो ना, कहां आए हो जी, वृंदावन। इसका नाम है ज्ञान गुदड़ी, मुल्ला ज्ञान गुदड़ी है, जहां पर उद्धव जैसे ज्ञानी की, बड़े उस वेदांती की, उस एक ज्ञान पीठ के आचार्य की, जहां पर ज्ञान की गुदड़ी बना दी थी, उस मोहल्ले का नाम ही है ज्ञान गुदड़ी। ये मुल्ला ज्ञान गुदड़ी है, बड़े बड़े ज्ञानी यहां पर फेल हो जाते हैं, और भक्ति में अवगाहन करने वाले प्रेमी जन उसके आनंद में डुबकी लगाते हैं, वो है ज्ञान गुदड़ी। ऐसे आप ज्ञान गुदड़ी मोहल्ले में बैठे हो, और इस आश्रम का नाम है जानकी भवन। भक्ति माता का आश्रम है, और ये वृंदावन भी भक्ति नृत्यति यत्र च, जहां पर भक्ति महारानी नृत्य नाचती है, खेलती है, दौड़ती है, कृष्ण के साथ में क्रीड़ा करती है, उसका नाम है ये भक्ति का केंद्र श्री वहां धाम वृंदावन। ऐसे वृंदावन में आप बैठे हो, लेकिन आपको एक बात और बता दूं, वृंदावन में आने के पहले 2 मिनट और लूंगा, वृंदावन आए तो हो, लेकिन धाम में 4 चीजों को याद रखना। यहां पर आए हो भक्ति करने के लिए कि मौज करने के लिए, ये बता दो मुझे, क्या करने आए हो? भक्ति करने के लिए आए हो, ये तो नहीं कहना कि वहां पर असुविधा मिली थी। मन में ये पीड़ा नहीं हो कि अगर जो कहीं एक दाल सब्जी मिली तो भाई आज भोजन अच्छा नहीं मिला। ए मेरे भाई, इस वृंदावन में जब इस धरातल में पैर रखना, सुख सुविधाओं को वहीं पर तिलांजल दे देना, तब वृंदावन की भक्ति का रस चखोगे।
यहाँ पर लिखा है, संतों ने लिखा है, भ्राता तिष्ठ तले तले बिटप नाम ग्रामेषु भिक्षा मत स्वच्छंदम पिबजामुनम जलमलम कीराण कंथाम कुरु सम्मानम कलयति घोर गरलम नीचा मानम सुधा श्री राधा मुरली धरौ भज सखे वृंदावन मात्यज। अगर तुमको अगर भिक्षा भी मांगना पड़े और अगर वृक्ष के नीचे भी रहना पड़े, अगर जमुना के जल को पान करना पड़े, अगर तुम्हारे पास में वस्त्र नहीं है, कंथी और गुदड़ी लेकर के भी अगर जीवन को यापन करे, तो हे भाई मेरे, राधा कृष्ण का भजन करना, वृंदावन को मत छोड़ करके जाना। ओ वृंदावन, ऐसे वृंदावन में प्रवेश हुआ। चार बातों का याद रखना, बोलो राधे राधे। ऐसे बोलते हो जैसे कि कोई व्रत रख रखा हो। जरा मुस्कुराकर बोलो। देखो याद रखना, यहां पर वृंदावन में आकर के वृंदावन महात्म की एक बात बता देता हूं, तुमसे फिर 7 दिन मुलाकात नहीं करूंगा, फिर पूर्णिमा किशोरी ही तुमको मार्गदर्शन करेंगी। बोलो राधे राधे। ठीक है, वृंदावने वने नित्यम सार में तत्चतुष्टयम् सताम संगो हरेर भक्ति रजा अस्पर समचया मुनम। अगर वृंदावन जितने दिन रहना तो संतों के सानिध्य में 2-5 मिनट जरूर बैठना, कुछ नई बात मिलेगी। बोलो राधे राधे। सताम संगो हरेर भक्ति। अरे कभी वृंदावन के इस ज्ञान गुदड़ी में जाकर के जहाँ उद्धव और गोपी संवाद का पार्क है, उसमें रज को जाकर चखना, ललाट में लगाना और उसमें लोट लेना जरा ज्ञान गुदड़ी के मोहल्ले पर, और वहां पर कभी अपने आंचल की झाड़ू लगाया ना, यहाँ से राधा कृष्ण गुजरेंगे। बोलो राधे राधे। यहाँ से कृष्ण गुजरेंगे, यहाँ से प्रिया प्रीतम अपनी लीला करने के लिए किस समय निकल जाए, ऐसे भाव से कि उस रास्ते से प्रिया प्रीतम निकलेंगे तो हम अपने पल्लू से झाड़ू लगा दें। बोलो राधे राधे। इस पल्लू को ज्यादा कीमती मत समझना। बोलो राधे राधे। ये पल्लू तुम्हारा कीमती नहीं है, यहाँ पर तो बड़े बड़े राजाधिराज, बड़े बड़े सम्राट आकर के और अपने किरीट को नमन करते हैं, नम झुका देते हैं, वो वृंदावन। रज को स्पर्श करना, रोज सेवन करना, इस भूमि को उठ करके प्रणाम करना, रज को ललाट पर लगाना, सत्संग नित्य मिलता ही रहेगा। और कभी कभी गर्म पानी ना हो तो जाकर के जमुना में डुबकी लगा लेना। बोलो राधे राधे। अरे भाई मेरे, हम लोग तो तीर्थों में जाते हैं और जब कुंभ मेला होता है तो 108 डुबकी रोज 4 बजे 3 बजे उठकर के लगाते हैं माघ के महीने में। अरे अब तो भैया सर्दी खत्म हो गई,
गैस सिलेंडर नहीं हो तो रोज जमुना में स्नान करो, तुम्हारे कर्म के जितने भी पाप हैं वो धुल जाएंगे, मैं कहता हूँ। बोलो राधे राधे। राजा स्पर्शम च यामुनम, यमुना का भी स्नान करना, डुबकी लगाना, स्पर्श करना, सत्संग करना, नित्य प्रति और ठाकुर जी की कथा को सेवन करना, राग द्वेष से घर की चर्चा नहीं करना, उसका पर्चा नहीं सुनाना किसी को आपस में। बोलो राधे राधे। वो जो घर का पर्चा हो, जो चर्चा हो, उसको वहीं पर तिलांजलि दे करके आना। अगर लाए हो तो उसको बैग की चैन के अंदर बंद कर देना, उसको निकालना नहीं 7 दिन। बोलो राधे राधे। केवल और केवल कृष्ण कथा, भगवत कथा, संकीर्तन और प्रेम की धारा में डुबकी लगा करके 7 दिन अपने सफल बना लेना। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी दिव्य है। स्वर्ग लोक में वैकुंठ आत्मी नहीं होती है, वो कथा आपको हमारी पूर्णिमा किशोरी जी के द्वारा आप श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत दिव्य कथा है, अलौकिक कथा है, उसको रसपान करिए। और सभी से प्रार्थना है, बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ पर कुछ भजन भी करना, माला भी फेरना। बोलो राधे राधे। माला करना, भजन करना और जय श्री राधे किशोरी जी के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को सफल बनाना। और इनके माता पिता को मैं बहुत बहुत भूर भूर वंदन करता हूँ। बोलो, वैसे तो मेरे शिष्य हैं, बोलो जय सियाराम, लेकिन सबके अंदर भगवान निवास करता है, इसलिए सियाराम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम। जोर जोर पानी की भावना से आप सभी को मैं अपनी पुष्पांजलि भागवत जी को समर्पित करता हूँ और पूर्णिमा कशेरी को आशीर्वाद देता हूँ। भगवान की कृपा से इनका जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। और आप लोग जो भी आए हैं तो यहाँ तो वृंदावन में चलो गुरु जी के सानिध्य में कथा हो गई प्रारंभ, लेकिन इस चैन को आप आगे बढ़ाते रहना। बोलो राधे राधे। इस चैन को आगे बढ़ाते रहना और कहीं ना कहीं आयोजन कराते रहना, जिससे कि बस आगे गाड़ी बढ़ती रहे और इस कथा की बस धारा बहती रहे और आप लोग नहाते रहो उसमें, गंगा में। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राम, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हुआ और अब हम लोग कथा के क्रम में चलते हैं। परम कृपा पात्र श्री पूर्णिमा किशोरी जी के श्री चरणों में व्यासपीठ में वंदन करते हुए कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। शास्त्र कहता है गुरु कृपा एक ऐसी कृपा है कि भगवत कृपा से भी 1000 गुना आगे है। तो संत सदगुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त हुई, माता पिता और आपके सभी जो संबंधी हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, फूआ फूपी, जो भी भाई भैया जो भी हैं, सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। और पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने एक बात बोली कि वृंदावन से कथा की व्यासपीठ पर गुरुजनों का काम होता है कि व्यासपीठ पर विराजमान कराना, शिष्य के ऊपर अपना बरदहस्त बना कर रखना और कहना कि आप दंगल में जाइए, कुश्ती को लड़िए, आप पार हो जाएंगे। गुरु कृपा प्रारंभ हो चुकी, अब आप लोगों को उस कड़ी को आगे बढ़ाना आपका धर्म है। जो जहां से आए हैं राजस्थान से, ऐसा एक संकल्प ले करके जाएं कि अपने अपने क्षेत्र में एक भागवत कथा सबको करानी है। इतना संकल्प ले लें जो जहां से आए हैं, जिसका जो भी संबंध है
व्यास पीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप पूज्य पूर्णिमा किशोरी जी के साथ में जिसका जो संबंध है, सिर्फ यह संकल्प ले और मानस में कहा है कि परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसत तेही। आप भागवत कथा की परंपरा व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि, पहले व्यास जी ने अपने शिष्यों को अवगत कराया, अध्ययन कराया, व्यास जी ने एक कृपा पात्र चुनने के लिए अपने शिष्यों को भेजा, सुखदेव मुनि समाधि से बाहर आए, व्यास जी के द्वारा कथा को ग्रहण किया, राजा परीक्षित को श्रवण कराया, सूतादि ऋषियों से 88,000 ऋषियों ने श्रवण किया, युधिष्ठिर जी ने नारद जी से श्रवण किया और विदुर जी ने मैत्री मुनि से श्रवण किया। यह भागवत की चार पीठ है, तो वृंदावन ज्ञान की पीठ, भक्ति की पीठ है। अब आप लोगों को इस पीठ को कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, जहां से भी जो आए हैं, यह संकल्प लेकर के जाएं कि यह पीठ हर जगह स्थापित होनी चाहिए और भागवत कथा निरंतर होती रहनी चाहिए, तभी हम आप सब लोगों का वृंदावन आना सार्थक है। इसी क्रम में चलते हुए अब हम अपनी छोटी गुरु बहन के से प्रार्थना करेंगे कि आप भागवत कथा का शुभारंभ करें, आप सब लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नमः परमहंसाय स्वागत चरण कमल चिन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म दशमे श्री गुरुवे नमः सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी राधा साध्यं साधनं यश्च राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदायत्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश्च राधा 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 वाचकं तस्य शेषम् राधा मेरी मात है
अतुलित बलधामं हेमशैलावधेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्जातं नमामि। हरि कथाया होत है आओ विराजो वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा हम सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें। गोविंद गोविंद गाए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाए रे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद गाए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाए रे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे कृष्ण गोविंद गाए राधे कृष्ण गोपाल गाइए गोविंद गाइए गोपाल गाइए गोविंद गाइए गोपाल गाइए गोविंद गाइए गोपाल गाइए गोविंद गाइए गोपाल गाइए
भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज की जय श्री वेदव्यास जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय अपने अपने माता पिता जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और हरि कथा के परम रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और मंच में विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और भागवत की संगीत सेवा में विराजमान सभी गंधर्व जनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और यहाँ के सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और आप सभी श्रोता माताएं बहने मित्र सखा आप सभी जो यहाँ विराजमान हैं उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकार करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पितांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की लीला में सहयोग देने वाली आनंद कंदनी कुंज निकुंजेश्वरी श्री कृष्ण प्राण बल्लभा श्री राधा रानी की अत्यंत करुणामयी कृपा से आज इष्टधाम वृंदावन में ये श्रीमद् भागवत कथा प्रवाहित होने जा रही है। आज हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं
कृष्णधाम वृंदावन में बैठ कर के ज्ञान गुदड़ी जैसे स्थल पर जानकी भवन में इस कथा का आयोजन रखा गया है। और सबसे आनंद की बात तो यह है कि इस आयोजन को कराने वाले हमारे वृक्ष के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल ही हैं और हमारी प्राण प्रिया श्री लाडली जी श्री राधा रानी की कृपा से और श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ये कार्य संभव हो पाया है। और जिन पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठ करके ये मैंने श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन किया है, क्योंकि मुझे में तो इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं आप सभी परिवार जनों के समक्ष ये श्रीमद् भागवत कथा कह सकूं, लेकिन ये गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। और हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, दादा दादी जी के आशीर्वाद से और मेरे माता पिता के आशीर्वाद व तपस्या से ये संभव हो पाया है। और यहाँ विराजमान मेरे पूज्य नाना नानी जी और आप समस्त परिवार जनों के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। महाराज, आज आप सभी श्रीधाम वृंदावन में बैठ कर के ये कथा श्रवण कर रहे हैं और ज्ञान गुदड़ी जैसे स्थल पर इस ज्ञान गुदड़ी की महाराज बड़ी महिमा है। यहीं पर ही श्री शिव जी गोपी का रूप धारण करके रास देखने के लिए आए थे और यहाँ पर ही उद्धव गोपी संवाद हुआ है। और यहीं पर ही श्री तुलसीदास जी महाराज को श्री कृष्ण का दर्शन राम रूप में हुआ है और यहीं नारद भी संवाद हुआ है। महाराज, इस स्थान की बड़ी महिमा है। सब लोग भागवत को भगवान क्यों कहते हैं कि भागवत जी भगवान है? बोले एक बार की बात है, भगवान अपनी लीला संपन्न करके गोलोक धाम को जा रहे थे तो उद्धव जी आए और कहने लगे, प्रभु आप जा तो रहे हैं लेकिन आपके जाने के पश्चात इन प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, इन जीवों का कैसे कल्याण होगा? और जब उद्धव जी की चिंता को भगवान ने सुना तो उद्धव जी के देखते ही देखते स्वकीयं यद् भवेत् तेजस तच्च भागवते ददात् तिरोधाय प्रविष्टोयम् श्रीमद् भागवतार्णवम्। उद्धव जी के देखते देखते महाराज भगवान इस भागवत जी में आकर के प्रविष्ट हो गए। इसलिए भागवत जी साक्षात भगवान का शब्दमय वांग्मय स्वरूप है। तेनेयम् वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसलिए महाराज इस कथा का हमें सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पूजन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, गान करना चाहिए। बोले इस कथा में महाराज जो सुनता है इस कथा को उसे किसकी प्राप्ति होती है? भक्ति रुद्पत्ते पुंशः शोक मोह भयापहा। इस कथा को श्रवण करने से भगवान की पराभक्ति की हमें प्राप्त होती है और शोक मोह भय का
नाश हो जाता है। महाराज, आपका इस कथा में मन लगे या ना लगे, बस आकर के बैठ जाओ। जिस प्रकार से आपको कोटा से मथुरा जाना है, अब ट्रेन में आकर के आप बैठ जाओ। अब उस ट्रेन में आपका मन लगे या ना लगे, उस ट्रेन का काम है कि आपको कोटा से मथुरा तक पहुंचा देना। उसी प्रकार इस कथा में आपका मन लगे या ना लगे, बस आकर के बैठ जाओ। इस कथा का काम है आपको ठाकुर जी के समीप लाना। ये कथा भगवान के धाम को प्राप्त करा देती है, इसलिए इस कथा को सुनना चाहिए। सर्वप्रथम ये उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने ये उपदेश अपने पुत्र देवर्षि नारद को प्रदान किया और देवर्षि नारद ने ये उपदेश श्री वेदव्यास जी को प्रदान किया और श्री वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को ये उपदेश प्रदान किया और जो सुखदेव जी ने जो कथा परीक्षित जी को सुनाई, उसी कथा सुनने के लिए आप सभी यहाँ विराजमान हैं। आइए हम सभी लोग भागवत जी में प्रवेश करें और भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक का गान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्लोक में महाराज तीन बातें बताई गई है। पहली बात तो कि भगवान का रूप कैसा है और दूसरा भगवान का कार्य क्या है और तीसरा जो जीव जो व्यक्ति भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान उस पे अपनी कृपा किस प्रकार से करते हैं, ये तीन बातें इस श्लोक में बताई गई है। सर्वप्रथम भगवान का रूप कैसा है, बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का सच्चिदानंद रूप है। सत कहते हैं सत्य को, जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य का ही ये जो विनाशे स्वरूप। भगवान प्रकाश स्वरूप है। जिस प्रकार से महाराज बल्ब है, बल्ब को करंट की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, बिजली चली जाएगी तो वो बंद हो जाएगा।
लेकिन सूर्य नारायण भगवान को देख लो, उनको ना बिजली की आवश्यकता ना करंट की आवश्यकता, वो स्वयं प्रकाश है। ऐसे महाराज भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, भगवान कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। ना तत्र सूर्यो भान्ति ना चंद्र तारकाः, नीमा विद्युतो भान्ति कुतोयम् अग्नि। भगवान को न सूर्य प्रकाशित कर सकते, न चंद्रमा, न तारे, न अग्नि, न वायु। भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा है आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं। आप गए कुछ चटपटा खा लिया, अपने मन पसंदीदा चीज खा ली, अकेले वाह वाह आनंद आ गया। वह भी आनंद नहीं है, वह आपकी जिह्वा का आनंद हो सकता है। अच्छी जगह चले गए, वहां जगह तो जगह ही थी, आनंद आ गया, वह भी आनंद नहीं है माया। वह असली आनंद नहीं है। असली आनंद तो तब मिलता है जब हम बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तब है हमें वो आनंद की प्राप्ति होती है। जो आनंद सिंधु सुखरा दर्द है,
और कोई मन से दुखी है, बोले घर वाले सुनते नहीं, रात दिन लड़ते रहते, बच्चे मानते नहीं, मन मर्जी की करते, तो कोई मन से दुखी है और कोई धन बिन रहे उदास, और कोई धन के बिना दुखी, धन नहीं है उसके लिए दुखी है, बोले मेरे पास धन होता तो मैं घर बनाता, गाड़ी लेता, तो थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कौन है, बोले सुखी राम के दास, सुखी तो केवल राम के दास, प्रभु के दास, जो भगवान की भक्ति करता है। महाराज भगवान उसके तीनों तापों को नाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब श्री सूत जी महाराज जो है वह अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज का जन्म होते अभी उपनयन आदि जातकर्म संस्कार आदि लौकिक कुछ भी नहीं हुआ था, बस जन्म होते वन के ओर चल गए। श्री सुखदेव जी के पिताजी हैं श्री वेदव्यास, वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे, कह रहे पुत्र रुक जाओ मत जाओ, रुक जाओ मत जाओ। महाराज वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्षों ने वेदव्यास से कहा, रे वेदव्यास जी हमें आप हमें देखिए, हमें कितनी पत्तियां फूल फल होते हैं, लेकिन जब वो झड़ जाते हैं तो हम उनका शोक नहीं करते, और आप इतने ज्ञानी होकर के भी पुत्र मोह में व्याकुल हो रहे हैं। अरे वेदव्यास जी आपके पुत्र पुत्र नहीं, वो तो सर्वभूत हृदय है, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नेमिषे सूतमाशीन मविवाद महामतम कथामृत रसास्वाद कुशलह सोन को ब्रवी। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ परम पवित्र साधकों को शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले ऐसे श्री नेमिषारण्य की पावन भूमि पर सूची महाराज विराजमान है, और महाराज उनकी कथा को श्रवण करने में कुशल श्री सोनकादि ऋषि श्री सूची का अभिवादन करते हुए कहते हैं कि हे महाराज अज्ञान ध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज आपके पास हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है,
सर, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो शीघ्र से शीघ्र प्रभु की प्राप्ति कराने वाली, जिसे भगवान के भक्तों ने गाया है, रसिकों ने गाया है, जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाली है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा, ऐसी कथा हमें सुनाइए। तब महाराज, क्योंकि आप तो गुरुदेव की भी कृपा है। चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। बोले महाराज, यदि किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतन करने मात्र से वह इस लोक की संपदा प्रदान कर सकती है। और यदि महाराज किसी व्यक्ति को कल्प वृक्ष मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा कल्पना करने मात्र से वह स्वर्ग की संपदा प्रदान कर सकता है। लेकिन ये सामर्थ्य तो इन दोनों में भी नहीं है कि ये भगवान के धाम को प्राप्त करा सके। बोले, ये सामर्थ्य तो गुरुदेव की कृपा में छाया में है। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। हे महाराज, आप पे तो गुरुदेव की कृपा भी है, तो आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो भगवान की प्राप्ति करा सके। अब श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे, अब मैं आपको समस्त शास्त्रों का सिद्धांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम सूची कहते हैं कि हे सुन काल ऋषियों, कलिकाल में सब व्यक्ति काल रूप विशाल सर्प के मुख के ग्रास बने हुए हैं, जैसे एक विशाल अजगर होता है, उस अजगर के मुख में हम सभी हैं। अब जब तक उसने अपना मुख खोल रखा है तब तक तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब उसने अपना मुख बंद किया फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। अब ये भी पता नहीं कि कब वो अपना मुख बंद कर ले। और महाराज, जब उसने अपना मुख बंद किया फिर हमें कोई नहीं बचा सकता, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा महात्मा हो, योगी हो, मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। भागवत जी कहती है, मृत्यु से तो मैं भी नहीं बचा सकती, पर हाँ मृत्यु को सार्थक जरूर बना सकती। बोले, मृत्यु सार्थक बनेगी कैसे? बोले, जब हमारे मुख से अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाएगा। अब आप कहेंगे, इसमें सबसे बड़ी बात कौन सी हुई भाई? मरेंगे तो भगवान का नाम ले लेंगे, इसमें हो गई मृत्यु सार्थक? ऐसे थोड़ी है, क्योंकि व्यक्ति अपने अंतिम समय में उस
किसी को ही पुकारता है, जिसके लिए उसने पूरे जीवन भर किया है, जिसके लिए उसने ज्यादा सोचा है, उसी को ही वो पुकारता है। अब हम भजन भजन तो कुछ करते नहीं है, बस इस जंजाल में फंसे रहते हैं। इसलिए महाराज बाल्यावस्था कुवार अवस्था से ही भगवान का नाम जब प्रारंभ कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे भजन भजन तो करना बूढ़े लोगों का काम, जवानी में तो ऐश करें बूढ़े लोग करते हैं भजन। अब बूढ़े, पहली बात तो बुढ़ापा देखा किसने? कि आप बूढ़े होंगे नहीं होंगे आप पहले ही। अच्छा ये बूढ़े हो भी गए तो बूढ़े व्यक्ति से पहले क्या किया जाता है? चला नहीं जाता, कहां से जाकर के भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करेगा? हाथ काम नहीं देते, कहां से भगवान की माला करेगा? बोला नहीं जाता, कहां से भगवान के गुणगान गाएगा, भगवान का नाम जपेगा? इसलिए महाराज बाल्यावस्था कुमार अवस्था से ही हमें भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। अब श्री सूची महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी ने प्राणियों के दुखों के निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया है। श्रीमद् भागवत कथा का महाराज प्रवचन किया है। ये कथा बड़ी दुर्लभ है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम् लभेति। जब महाराज जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के ये कथा हमने सुनने के लिए प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं ये कथा देवताओं को प्राप्त नहीं है, देवता तरसते हैं इस कथा को सुनने के लिए। एक दिन की बात है, किसी के द्वारा देवताओं को ये पता चली कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे। तो सभी देवता दौड़े दौड़े स्वर्ग में आए और अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास पहुंचे और कहा, महाराज हमें ये पता चला है कि परीक्षित जी के 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित जी तो राजा है, उनका रहना जरूरी है, तो हम उनके लिए ये अमृत लाएंगे। एक काम करो, ये जो अमृत है आप परीक्षित जी को पिला दो। अब इस अमृत के बदले में ये कथा जो आप परीक्षित जी को सुना रहे हैं वो हमें सुना दो। जब देवताओं की इस बात को सुखदेव जी ने सुनी तो जोर से हंसे और कहा, देवताओं सुदा भक्ता लोके कांच मनिर महान। अरे कांच लेकर के आप सुनार के पास जाओ और कहा, भाई इसके बदले मुझे मणि दे दो। वो डंडा निकालेगा, पीट कर वहां से बाहर निकालेगा। बोले, कभी कांच के बदले मणि मिली है? कांच मणि की समानता नहीं कर सकता। उसी प्रकार ये जो तुम्हारा अमृत है ना, ये कांच के समान है और ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा बहुमूल्य मणि है। इसके बदले तुम्हें ये कथा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा अमृत पुण्य छीन हो जाने पर नरक को प्रदान करता है। और यदि इस कथा को एक बार किसी ने सुन लिया तो ये कथा उसे भगवान से मिला देती है, भगवान के धाम को प्रदान करती है। इसलिए महाराज ये अमृत ले जाओ तुम तुम्हारे पास। डांट डांट के भगा दिया। सूत जी कहते हैं, सोनक जी नहीं सुनाई ये कथा। गए देवता रोते रोते
ब्रह्मा जी के पास आकर के पहुंचे और रोने लगे जोर जोर से। ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे देवताओं तुम रो क्यों रहे हो? तो साला वृत्तांत देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये रोना छोड़ो, पहले ये तो देखो कि 7 दिन बाद परीक्षित जी को मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है। अब देखा कि 7 दिन बाद परीक्षित जी को इस कथा श्रवण से मुक्ति मिल गई, तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित, याज्ञो मोक्षम तथा विक्ष्य पुराधाताप विस्मितः सत्यलोके तुलां भद्वा तोलय साधनान्यच। सत्यलोक में एक तराजू रखी, उसके एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा रख दी, दूसरे पलड़े पर सभी धर्मशास्त्र रख दी। पर वहां एक आश्चर्य हुआ कि भागवत जी अपनी महिमा के कारण भारी पड़ गई और सभी धर्मशास्त्र ऊपर उठ गए। ये देख सभी ऋषि मुनियों ने माना कि पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम्। इस कथा को जो सुनेगा, इसका जो गान करेगा, इसका जो पाठ करेगा, उसे निश्चित ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। अब श्री सूत जी महाराज सुनकादि मुनीश्वरों से कहते हैं कि ये कथा देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रवण करी, किंतु जो साप्ताहिक कथा है, 7 दिनों की जो भागवत कथा है, वह सनकादि मुनीश्वरों द्वारा श्रवण करी। अब सनकादि ऋषि ने पूछा, बोले कैसे हो सकता है? देवर्षि नारद तो ज्यादा देर तक तो एक जगह टिक नहीं सकते। फिर उन्होंने 7 दिन तक बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा कैसे श्रवण कर ली? तब श्री सूत जी कहते हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम् समायाता ददृशस्तत्र नारद। एक बार की बात है, सनकादि मुनीश्वर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भैया सत्संग की इच्छा से बद्रिकाश्रम पधारे और इनकी भेंट नारद जी से हुई। नारद जी का मुख इनको चिंतित दिखाई दिया, तो इन्होंने नारद जी से पूछा, बोले ये देवर्षि नारद, आपका मुख इतने चिंतित क्यों? हमें बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे मुनीश्वरों, मैं इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम मान करके अहम तु पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम मान करके मैंने अनेकों तीर्थों में भ्रमण किया, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वर काशी गोदावरी बहुत जगह में गया, लेकिन कहीं शांति नहीं।
मैंने सोचा चलो संतों के पास चला जाए। देखा तो कुछ कुछ लोग संतों का वेश धारण करके पाखंड कर गए हैं। पाखंड निरता संत, ये देख करके तो मेरा जो चित्त था वो अशांत हो गया। मैं तो आया था शांति पाने के लिए, पर यहाँ तो क्रांति मच गई। फिर चलो गृहस्थों के यहाँ चला जाए। गृहस्थों के यहाँ गया, देखा बोले पति पत्नी में सदा कलह मचा रहता है। साले साहब सलाहकार हो गए, कुछ भी घर में कोई नया कार्यक्रम होने वाला तो सामने बड़े भैया खड़े, उनसे नहीं पूछेंगे, साले साहब को फोन लगाएंगे, वो जो बोलेंगे वो होगा। तो ये सब देख करके मैं शांत हो गया, मेरा जो चित्त था। अब मैंने सोचा कि चलो श्रीधाम वृंदावन में जाया जाए। बोले वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। श्री अलवे सरकार भजे जा राधे राधे। राधे अलवे जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम ना हो तो
जपे जा राधे राधे ओ जाधा अल्लाह सरकार जपे जा राधे राधे 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 पुरुष बड़े बड़े जोर जोर से
सांस ले रहे हैं और कई देवियां उस युवती के पंखा कर रही है, हवा झूल रही है। ये देख मैं वहां निकट गया और जब उस देवी ने मुझे देखा तो उसने कहा, भो भो साधु शनम तस्त मन चिंतामपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाहरहं परम। हे महात्मा जी, कुछ देर ठहर जाइए और मेरी चिंता का निवारण कीजिए, क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही महाराज जीव के सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। कुछ देर ठहर जाइए और मेरे चिंता का निवारण कीजिए। और जब देवर्षि नारद कहते हैं कि जब उस युवती ने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास गया और मैंने कहा, देवी आप कौन हैं? और ये दो वृद्ध पुरुष जो हैं, ये कौन हैं? और ये जो इतनी सारी देवियां हैं, ये कौन हैं? तब उस देवी ने मुझे परिचय देते हुए कहा कि अहम् भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगीन चरचरो। उस देवी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम भक्ति है और मैं इसी नाम से विख्यात हूँ। और ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये जितनी देवियां हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, ये मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई हैं। यहाँ मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई हैं। उस देवी ने मुझसे जब ये कहा, क्योंकि अन्य देशों में उस देवी ने कहा कि मैं मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है, कर्नाटक में मैं उत्पन्न हुई हूँ और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मैं कई कई जगह सम्मानित हुई, लेकिन जब मैं गुजरात में गई तो वहां के पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया और फिर मैं जैसे ही अनेकों देशों विदेशों में घूमती घूमती जैसे ही इष्टधाम वृंदावन में आई तो न जाने वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वस्वरूपिणी। इस वृंदावन में आते तो मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे इन दोनों बालकों को न जाने क्या हुआ, ये वृद्ध हो गए। हे देवर्षि, यदि ये इसी अवस्था में इसी वृद्धावस्था में यहाँ पड़े रहे तो मैं वृंदावन को भी छोड़ करके चली जाऊंगी। देवर्षि नारद ने कहा, हे देवी आप चिंता मत कीजिए, ये दारुण कलयुग है, इस कली काल के कारण आपके जो दोनों पुत्र हैं यह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। इस कलयुग के कारण सदाचार योग मार्ग लुप्त हो गया है, असत पुरुष सुखी हो रहे हैं और सत पुरुष दुखी हो रहे हैं। और हे देवी, ये वृंदावन धाम धन्य है, वृंदावनस्य संयोगान्त पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम
वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्रह। हे देवी वृंदावन धाम धन्य है महाराज, इस वृंदावन के एक एक कण में भक्ति मायानी नृत्य करती है। यहाँ आते ही पुनः युक्ति हो गई, नवयुक्ति हो गई। भक्ति मायानी ने कहा कि देवर्षि ये कलयुग, इस कलिकाल इतना ही दोषी था, तो फिर राजा परीक्षित ने इसे छोड़ क्यों दिया और भगवान इस अधर्म को होते हुए क्यों देख रहे हैं, हमें बताने की कृपा कर। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे देवी, इसमें एक महान गुण था, उसमें उस गुण पे रीच करके श्री परीक्षित जी महाराज ने इसको छोड़ दिया। भक्ति महारानी ने कहा कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा महान गुण है जिस पर रीच करके परीक्षित जी महाराज ने इसे छोड़ दिया। तब नारद जी कहते हैं कि हे देवी, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जो फल अन्य युगों में हजारों हजारों वर्षों की तपस्या करने से प्राप्त होता था, यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उस कलयुग में केवल भगवान नाम से कीर्तन करने से मात्र प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति माने तो कलयुग केवल हरे गुण गावत नर पावहि भव था, कलयुग केवल हरि गुण गा गावत नर पावहि भव था। सियाराम सियाराम जय जय राम, हम सियाराम सियाराम जय जय राम, राम सियाराम सियाराम जय जय राम। यदि महाराज व्यक्ति विश्वास करे तो इस कलयुग के समान युग नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए। व्यक्ति भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से भव सागर से तर जाता है। हे देवर्षि नारद ने कहा, हे देवी, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये कलयुग का स्वभाव है। अयम तु युग धर्मो हि वर्तते कश्य दूषणम्, ये कलयुग का स्वभाव है, इसी कारण भगवान इस अधर्म को होते हुए देख रहे हैं। अब महाराज भक्ति महारानी देवर्षि नारद की स्तुति करती है, कहती है, जयति जगते माया का Yeah.
देवर्षि नारद की स्तुति करके कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके एक बार का उपदेश पाकर के कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी, और आपके एक बार का अनुग्रह प्राप्त करके 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए। उसी प्रकार ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे बालक भी पुनः की तरह युवावस्था को प्राप्त हो जाएं। तब देवर्षि नारद ने कहा कि देवी आप चिंता मत करिए, बस ठाकुर जी पर विश्वास रखिए। ओ ब्रज के नंदलाला राधा झुके सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। Thank you.
बांके
हरि लाल की जय हो। अब जब देवर्षि नारद ने भक्ति वायानी के दुख को सुना तो अब ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास करने लगे। वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठे मुहुर मुहुर, वेदों का उद्घोष किया। ज्ञान वैराग्य के कानों में जब वेदों के ऋचाएं गई तो थोड़ी देर के लिए तो उठे और वापस पड़ गए। अब देवर्षि नारद चिंतित। अब देवर्षि नारद ने गीता का पाठ किया और महाराज जब ज्ञान वैराग्य ने जब गीता जी सुनी तो थोड़ी देर के लिए तो उठे फिर वापस पड़ गए। अब देवर्षि नारद चिंतित बोले, मैंने तो इनको सबसे हाई डोज वाली दवाई दे दी, अब तो कोई बची नहीं है, अब इनको मैं कैसे जगाऊं? भगवान का ध्यान किया तब आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा आपका ये प्रयास अवश्य सफल होगा, लेकिन सत्कर्म करो। अब देवर्षि नारद ने सोचा कि जो कुछ भी किया ये क्या सत्कर्म नहीं था? फिर कौन सा सत्कर्म? तो आकाशवाणी ने कहा वो कोई संत शिरोमणि बताएंगे। अब महाराज देवर्षि नारद निकल पड़े इस खोज में कि सत्कर्म किसे कहते हैं। जो भी मिलता सब पूछते, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? अब जिनको नहीं पता था वो जहां तहां जाकर के छुप गए और बोसो ने कहा जब देवर्षि नारद को पता नहीं तो हमें कहां से पता होगा। और बोसो ने उत्तर भी दिया, लेकिन जब निश्चित उत्तर नहीं मिला तब देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम पधारे और कहा यहाँ आपकी भेंट मेरे से हुई। संकादि मुनीश्वरों ने कहा, हे देवर्षि नारद आप चिंतित मत होइए। तो नारद जी ने कहा, हे मुनीश्वरों मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ, मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए चिंतित हूँ। तो संकादि मुनीश्वरों ने कहा कि आपकी चिंता का निवारण मेरे पास है। बोले आप श्रीमद् भागवत कथा कराइए, मैं वचन देता हूँ यदि आपने श्रीमद् भागवत कथा कराई तो निश्चित ही ज्ञान वैराग्य का भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। अब आप गंगा के तट पर आनंद नाम का एक तट स्थित है, वहां जाइए और श्रीमद् भागवत कथा कराइए। सनकादि मुनीश्वरों ने जब ये कहा तो महाराज देवर्षि नारद बोले इस समय आपसे सर्वश्रेष्ठ वक्ता मुझे और कहां मिलेगा, इसलिए आप ही हमें ये कथा सुना दीजिए। और महाराज सनकादि मुनीश्वरों की आज्ञा पाते देवर्षि नारद ने संकादि मनुष्यों को व्यास रूप में वरण किया और अपने साथ हरिद्वार ले आए। और वहां महाराज गंगा की नवकोमल बालुका के ऊपर श्री देवर्षि नारद ने व्यास आसन लगाया और उस पर संकादि मनुष्य विराजमान हो गए। त्रिलोकी में हल्ला मच गया, अरे संकादि मनुष्य भागवत कथा कर रहे हैं। देखते देखते महाराज पूरा गंगा का तट भर पड़ा। गृहस्थी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं, छह शास्त्र वेद पुष्कर आदि तीर्थ सब मूर्तिमान बनकर के प्रकट
हो गए, महाराज वहां खड़े हो गए। अब सनकादि मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा सुनाना प्रारंभ कहा और कहा कि सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यश्चाश्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं शमाश्वहे। महिमा सुनाते हुए सनकादि मुनीश्वर कहते हैं कि कथा बड़ी दुर्लभ है, ये इस मृत्यु लोक में ही सुलभ है, इस स्वर्ग आदि लोकों में नहीं है ये कथा, बस केवल इस मृत्यु लोक में सुलभ है, इसलिए इस कथा को बारंबार श्रवण करते रहना चाहिए। जिस घर में महाराज श्रीमद् भागवत कथा होती है वो घर घर नहीं रह जाता, वो घर तो तीर्थ बन जाता है, और उसमें रहने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस देह में महाराज तब तक पाप निवास करते हैं जब तक हम श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुन ले। अब महाराज सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार से भागवत की महिमा बता ही रहे थे कि तभी माँ एक आश्चर्य हुआ कि भक्ति सुत तरणों रहे सकल भुवन मध्य निर्धनास्तोपि धन्या निवशित्रहृदयेषां श्रीहरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथाथो विहाय प्रवश्यति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनयः। अरे महाराज इस त्रिलोकी का सबसे बड़ा निर्धनी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है तो वो सबसे बड़ा धनवान है महाराज, क्योंकि भक्ति की डोरी से बंध करके भगवान हरि अपना वैकुंठ छोड़ करके उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं।
देवर्षि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों से कहा कि हे मुनीश्वरों, अब मैंने श्रीमद् भागवत की महिमा को तो सुन ही लिया है, अब आप ये बताइए कि इस भागवत कथा को सुनने से कैसे कैसे पापी पवित्र हो जाते हैं। तो सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, हे देवर्षि, आप पाप की बात करते हैं, जिन्होंने पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, ऐसे घोर नास्तिक व्यक्ति भी भागवत जी को सुनने से पवित्र हो जाते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें मैं आपको इतिहास सुनाता हूँ। तुंग भद्राटे पूर्वम मभूत पतनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेन सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंग भद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर बसा था। उसमें महाराज एक वेद पाठी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव जी जितने सरल स्वभाव के थे, महाराज इनकी पत्नी थी श्री धुंधली देवी। ये उनसे उतनी गुणी, किसी से लड़ना ले या लड़वाना दे तब तक ये भोजन नहीं करती थी। इसका एक ही काम था, किंतु तब भी आत्मदेव जी उसमें अपना निर्वाह करते थे। आत्मदेव जी के यहाँ सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी कि आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी ने संतान प्राप्ति के लिए स्वर्ण दान, वस्त्र दान, गौदान बहुत से काम किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। अब इधर धुंधली को तो कोई चिंता नहीं होती थी, उसको लड़ने से फुर्सत मिले तभी तो वो चिंता करे, पर इधर जो आत्मदेव जी थे बड़े दुखी रहते थे। एक दिन बैठे बैठे रो रहे थे, बोले, हे प्रभु, आपने मुझे संतान क्यों नहीं दी? कि तभी दरवाजे पर आत्मदेव जी का मित्र आया और कहने लगा, ओ आत्मदेव ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण। जब आवाज लगाई तो आत्मदेव जी ने आंसू पोछे, गए, द्वार खोला, देखा तो उनका मित्र खड़ा है, हाथ में बड़ी सी थाल, अलग अलग मिठाइयां। आत्मदेव जी को देखते ही आत्मदेव जी के मित्र ने उस थाल में से एक मिठाई ली और कहा, लो आत्मदेव, मुंह मीठा करो। आत्मदेव जी ने कहा, किस बात की मिठाई? बोले, बोले पहले तो तुम मुंह मीठा करो, मिठाई खिलाई। और महाराज अब पूछा आत्मदेव जी ने कि अब तो बताओ किस बात की खुशी में तुम्हें खिला रहे हो? तो उसने कहा, अरे आत्मदेव ब्राह्मण, हमारे यहाँ बालक हुआ है। जब ये सुना तो अब तो आत्मदेव जी का दुख और बढ़ गया। बोले, प्रभु, अब वो तो जो आत्मदेव जी का जो मित्र था वो तो मिठाई खिला के चला गया वहां से। आत्मदेव जी वही द्वार पर खड़े रह गए। कहने लगे, प्रभु, इससे तो बढ़िया था कि आप मुझे जन्म न देते, वही ठीक था। सबके घरों में बच्चों की किलकारियां आती है, एक हमारा ही घर सोना है। और प्राण त्यागने का निश्चय कर आत्मदेव जी वन की ओर चल दिए। दोपहर हो गई, पानी की प्यास लगी, तो एक नदी के तट पर आए और वहीं से महाराज एक महात्मा जी निकल रहे थे। जब आत्मदेव जी ने इस महात्मा को देखा तो दौड़ करके चरणों को पकड़ लिया, जोर जोर से रोने लगे। तो उस महात्मा जी ने कहा कि कथम रोधिष विप्रत्वम काते चिंता बलियशे वदत्वं शत्वरं मह्यं शवस्य दुःखस्य कारणम्।
कारण बताओ। तब आदिदेव जी ने कहा कि किम रवि मीर्षे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदिया पूर्व जास्तोयं कवोषणं मुपभुजन्ते। महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म में किए हुए संचित पापों का क्या वर्णन करूं जिससे मेरे कोई संतान। हे महात्मा जी, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए। जिस प्रकार से कहा तो महात्मा जी ने सोचा कि हमने सोचा था कि वन में बिचारा भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा होगा, तो चलो उसका मार्गदर्शन किया जाए, लेकिन ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। तब महात्मा जी ने समझाते हुए कहा कि शनु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव वचने वचन। महात्मा जी बोले, अरे ब्राह्मण देवता क्या बेटा बेटा लगा रखा है, संतान सुख देने वाली नहीं है, चाहे पुत्र एक हो या हजार हो, संतान सुख नहीं देगी। राजा अंग का एक पुत्र था वेन, घोर नास्तिक। तो राजा अंग कोई अपने पुत्र के कारण राज्य छोड़कर के वन जाना पड़ा, और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन कपिल भगवान का अपमान करके सब जलकर भस्म हो गए। अब बोले दिया, संतान ने सुख, संतान सुख नहीं देगी। अरे मैं तो तुम्हारी मस्तक की रेखा देख रहा हूँ कि तुम इस जन्म के पुत्र की प्राप्ति के लिए सोच रहे हो, तुम्हारी तो सातों जन्मों तक कोई संतान योग नहीं है। अब तो महाराज आदिदेव जी सिर पटका का, देखो महात्मा जी, ज्ञान देना तो हमें भी अच्छे से आता है, अब तो आप ही पुत्र दोगे। जब आप ये बताने में समर्थ हैं कि मेरे सात जन्मों तक कोई पुत्र नहीं, तो आप मुझे पुत्र देने में भी समर्थ हैं। और यदि आपने पुत्र नहीं दिया तो आपके चरणों में सिर पटक कर मर जाऊंगा, और मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, आपको भी ब्रह्म हत्या लगा कर छोड़ूंगा। अब महात्मा जी हो गए चक्कर में, बोले बोले मरेगा हमको भी ब्रह्म हत्या लगा के छोड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और आदिदेव जी को दिया और कहा, तस्या ग्रहम समालोकस्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्ष्ये पत्न्या त्वं तत् पुत्रो भविष्यति। इस फल को लो और अपनी पत्नी को खिला दे, यदि भगवान ने चाहा तो निश्चित ही तुम्हारे पुत्र होगा। अब आदिदेव जी प्रसन्न हो गए, मुझे विश्वास था कि संत महात्मा अवश्य कृपा करेंगे। बोले महाराज, कुछ नियम हो तो बता दो। बोले हाँ, नियम तो है। बोले तुम्हारी पत्नी से कहना कि ज्यादा क्रोध ना करे और जीव जंतुओं पे दया करे, सत्य बोले। अब ये जो चीजें थी ये धुंधली से विपरीत, धुंधली को क्रोध ना ये हो सकता है, सत्य बोले ये हो सकता है, रोजाना लड़ाई का काम करती है। अब आदिदेव जी बोले, जी महात्मा, दौड़े दौड़े घर गए, अब तो मेरे भी पुत्र होगा, मैं भी पिता बनूंगा। और गए और आवाज लगाने लगे, अरे सुनती हो ओ धुंधली। अब धुंधली ने सोचा, सुबह से आए हैं, सुबह से गए थे, अब आए हैं, लगता है मेरे लिए कोई हार चूड़ी वूड़ी साड़ी लाए हो। दौड़ी दौड़ी आई नीचे, हाँ आई, आकर के
आज देव जी के हाथ में फल देखा तो कहा, कक्का मैंने कभी फल नहीं देखा क्या जो इतने जोर से बोल रहे थे कि आ। अरे इतनी चिल्ला क्यों रही है? आदिदेव जी बोले फल कोई साधारण फल नहीं है, महात्मा जी का दिया हुआ फल है। यदि इस फल को तुम खाओगे तो हमारे यहाँ पे पुत्र होगा, हमारे यहाँ पे संतान होगी। अब धुंधली ने सोचा कि कहीं ये मेरे पर जादू टोना तो नहीं करा रहे किसी महात्मा से। धुंधली ने बातें बनाई, कहा देखो स्वामी अभी मैंने स्नान नहीं किया है, अब जब स्नान कर लूंगी तो ठाकुर जी को भोग लगा करके पालूंगी। ऐसे महाराज बातें बनाई और आत्मदेव जी धुंधली को फल दे करके चले गए। अब इधर धुंधली उस फल लेकर के बैठ बैठ और विचार करे खाऊं या ना खाऊं या ना खाऊं। तभी उसकी सहेली आई, अरे धुंधली तेरा मुख इतना उदास क्यों है मुझे बता। तो धुंधली ने महाराज सारा वृत्तांत बताया और कहा, अरे सखी तुझे क्या बताऊं, मेरे पति तो महात्माओं की बातों में आते रहते हैं, किसी महात्मा ने फल दे दिया होगा और आकर मैं आकर के मेरे से कहा किस फल को खा लेना और तेरे पुत्र हो जाएगा, अब बता मैं खाऊं या ना खाऊं। तो वो उसकी जो सहेली थी वो बोली, अरे धुंधली तेरे तो भाग जुग भाग खुल गए भाग, तो संत की कृपा से तुझे फल मिला है उसमें इतना संकोच कर रही है, अरे तेरे पुत्र हो गया तो अच्छा ही तो है और फल कोई नुकसान भी नहीं करता। धुंधली ने कहा बिन खा तो लूंगी लेकिन गर्भवती स्त्री ज्यादा घूम नहीं सकती, काम नहीं कर सकती और घर का काम फिर कौन करेगा? अच्छा घर में डाकू घुसाए तो मैं कैसे भागूंगी, सब तो भागे आएंगे। तो वो उसकी जो सहेली थी बोली, देख किसी बातें करती है, कोई डाकू वाकू नहीं घुसेंगे और रही तेरे घर की बात तो तेरी ननद को बुला लेना। धुंधली बोली, अरे भाई मेरी ननद का नाम मत ले, जब भी आती है घर का सारा माल लेकर चली जाती है। महाराज धुंधली ने इतने कुतर्क किए तो धुंधली की सहेली बोली, अरे तू खा तो खा नहीं तो मत खा, मैं तो अपने घर चली। और उस ऐसा कर करके वो तो चले गई और धुंधली ने फल खाया ही। एक दिन महाराज धुंधली की बहन आई और धुंधली के मुख को इतना चिंतित देख करके कहा, अरे बहन तू इतनी चिंतित क्यों है मुझे बता। तो वो धुंधली ने सारा वृत्तांत बताया। अब जो धुंधली की बहन थी वो भी यही चाहती थी, उसने उड़ धुंधली का दिमाग खराब किया, अरे बहन फल वल से कुछ नहीं होता है, एक काम कर उस फल को तो तू तेरी गाय को दे देना और मेरे अभी पुत्र होगा ना वो मैं तुझे दे दूंगी, पति के द्वारा मैं तुझे भिजवा दूंगी और तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। अब धुंधली ने स्त्री स्वभाववश वैसा ही किया जैसे उसकी बहन ने बोला। उस फल को महाराज धुंधली ने गाय को खिला दिया और इधर जब महाराज 9 मास के पश्चात जब धुंधली की बहन को जब पुत्र हुआ तो महाराज धुंधली की बहन ने वो पुत्र अपने पति द्वारा धुंधली के पास भिजवाया। और इधर जो आत्मदेव जी थे, आत्मदेव जी किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, आत्मदेव जी को खबर पहुंचाई इसने, बोले आपके यहाँ पुत्र हुआ है। और जो ही महाराज जब आत्मदेव जी को ये सुना कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है तो इतने प्रसन्न हो गए, जात कर्म आदि संस्कार कराया और जब उस पुत्र का नाम रखने लगे तो धुंधली आई और बोली, मेरा पुत्र है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। धुंधकारी के
कहते हैं, बोले धुम धुम कलहम कलेशम करोतिया यह सधुंधकारी, जो स्वयं लड़े दूसरों को लड़ाए उसे कहते हैं धुंधकारी। अब माया तीन महीने पश्चात गाय को भी बड़ा सुंदर दिव्य बालक हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभम। अरे जब गाय को भी मनुष्याकार बालक को देख करके महाराज सब ग्रामवासी एकत्रित हो गए देखने के लिए। अरे आत्मदेव जी के तो भाग खुल गए भाग। कल तक तो एक पुत्र नहीं था और आज गाय के भी मनुष्य जैसा पुत्र हुआ है। अब जो श्री आत्मदेव जी थे उन्होंने उस गैया के पुत्र के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि पूरा जो उनका शरीर था वो तो मनुष्य जैसे था लेकिन इनके जो कान थे वो गाय जैसे थे। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। दोनों बड़े हुए। गोकर्ण जी तो निकले परम ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। और धुंधकारी निकला घोर नास्तिक, मदिरा पान करता मांस सादी खाता, छोटे छोटे बालकों को खेलते हुए कुएं में पटक देता, दूसरों के घरों में जाकर के आग लगा देता, गलत काम करने लगा। इसने महाराज अपने घर के सारे बर्तन बेच दिए। एक दिन इसने अपनी माता के गले में जब मंगलसूत्र देखा तो कहा माता मुझे ये भी चाहिए। बोले कहा बेटा तूने सब कुछ तो बेच दिया अब इससे तो रहने दे। नहीं माना। जैसे ही गले में से खींचना चाहा कि आत्मदेव जी आ गए और जब डांट लगाई तो महाराज धुंधकारी अपने पिता को ही डांटने लगा मारने लगा। तो आत्मदेव जी तो थे वो दुखी हो गए रोने लगे, हाय मेरे पुत्र नहीं होता वही अच्छा था। अब देखो पहले पुत्र नहीं था तब रो रहे थे कि मेरे पुत्र क्यों नहीं है, अब हो गया दुष्ट निकला तब इसलिए रो रहे कि मेरे पुत्र क्यों हो गया, इससे नहीं होता तो वही अच्छा था। प्राण त्यागने के लिए निकल पड़े। गोकर्ण जी आए समझाया और कहा कि असार खल संसार दुख रूपी विमोहक सुतः कश्य धनम कश्य स्नेह वाज्वलते निशम। महाराज ये संसार दुखालय है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी शरण भंगुर जीवन के कल का कल प्रातः को जान खिली न खिली। भंगुर जीवन की कल का कल प्रातः को जान खिली न खिली। हरी नाम हरी रस
सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीवनः। इस संसार में ना इंद्र सुखी है, न चक्रवर्ती सुखी, न सम्राट सुखी है। सुखी तो केवल प्रभु का दास है, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखे धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। त्यजत्वं छाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं शरभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्ति निश्चह। पिताजी, ये जो शरीर है, ये अस्थि मांस का पिंड है, इसे मैं मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि साथी है मित्र गंग, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल इससे तो आगे भजन है रे साथी, भजन के बिना नर अकेला चलेगा। इससे आगे भजन है रे साथी, भजन के बिना नर अकेला रहेगा। जी अपने पिता आत्मदेव को समझाते हैं
और आत्मदेव जी महाराज गोकंच के उपदेश को धारण करके 60 वर्ष की अवस्था में वन में जाकर के दशम स्कंद का पाठ करके भगवान का भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त। इधर पिता आत्मदेव के नारायण पर गोकंच भी तीर्थ यात्रा को निकल गए। अब घर में बचे धुंधली और धुंधकारी। एक दिन धुंधकारी बोला, बोल माता, पिता ने धन कहाँ रख रखा है? पिता का धन कहाँ है, मुझे दे। और कहा कि बेटा, तूने सब कुछ ही तो बेच दिया, कुछ नहीं बचा। इस बात पर महाराज धुंधकारी को क्रोध आ गया और धुंधकारी ने धुंधली को पीटा, बहुत पीटा। और महाराज धुंधली दुखी होकर रात्रि में कुएं में कूद कर अपनी आत्महत्या कर गई। अब बचा धुंधकारी। अब धुंधकारी स्वच्छंद हो गया। महाराज 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया, उसके पालन पोषण में चोरी करता, डकैती करता। एक दिन महाराज इसने राजा के घर में चोरी कर हीरे जवाहरात लेकर के वेश्याओं के सामने रखा। एक दिन वेश्याओं ने सोचा, अरे बहन, इसने राजा के घर में चोरी करी है और एक दिन ये पकड़ा जाएगा तो राजा से कहेंगे और ये हमारा नाम लेगा, ये तो मरा जाएगा ही सही, इसके चक्कर में हम भी मर जाएंगे, इससे बढ़िया है इसको अभी इसका गोविंदा नमो नमः कर देते हैं। तो उन वेश्याओं ने धुंधकारी को भोजन कराया और जब महाराज वो धुंधकारी जब सो गया तो उन वेश्याओं ने उसके गले में रस्सी बांध कर खींचने लगी, चीखने चिल्लाने लगा धुंधकारी। तब इसने महाराज वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए। धुंधकारी को भयंकर पीड़ा होने लगी और उसके महाराज प्राण छूट गए और वन वेश्याओं ने उसी आंगन में दफना दिया और वहां से भाग गए महाराज धन बांट करके। इधर जब गोकंच को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने गया जी में श्राद्ध किया और अपने घर आए। अब जब रात्रि में विश्राम कर रहे थे महाराज तो वहां धुंधकारी वहां आया और कभी हाथी बन जाता, कभी अग्नि बन जाता और कभी महाराज अलग अलग रूप धारण करने लगा। गोकंच जी ने कहा, तुम कौन हो? तब महाराज वो सबसे अंत में उसने पुरुष का रूप धारण किया और कहा, भैया जो गोकंच जी थे तो जब वो पुरुष रूप में जब आया कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। तब गोकंच जी ने समझ गए ये कोई पतित आत्मा है, हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके धुंधकारी के ऊपर जल छिड़का जिससे धुंधकारी के कुछ पापों का शमन हो गया और वो बोला, अहम भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैंने इतने पाप किए कि मैं प्रेत बना डोल रहा हूँ। अहो बंधु, कृपा साधो, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। गोकंच जी ने कहा, रे मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध कर लिया, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। बोले, भैया मैंने इतने पाप किए हैं कि एक क्या सैकड़ों कर लोगे तब भी मेरा मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी, दूसरा उपाय ढूंढिए। अब गोकंच जी ने कहा, मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ, अभी तुम
यहाँ से चले जाओ। चिंता के कारण महाराज गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई। उठे, ब्राह्मणों से परामर्श लिया और जब महाराज जब निर्णय नहीं मिला तब सूर्य नारायण भगवान का स्मरण किया। सूर्य नारायण भगवान ने उत्तर दिया, कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, धुंधकारित पाप किंग के इसके मुक्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है, इसलिए आप श्रीमद् भागवत कथा करें। अब महाराज गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और वैष्णवम ब्राह्मणम मुक्तम सोतारम परिकल्प्य सह। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना करके कथा सुनाई और महाराज धुंधकारी सात बांस की गांठ में आकर के बैठ गए। जब सातों दिन की कथा विश्राम हो गई तो तड़ तड़ करते महाराज वो सात बांस की गांठ टूट गई और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो महाराज दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। धुंधकारी ने गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रद। ये श्रीमद् भागवत कथा प्रेत योनि से मुक्ति देने वाली है, इसको सुनना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए महाराज। और इस प्रकार से धुंधकारी कह रहा था कि तभी एक विमान आया और धुंधकारी उस विमान पर बैठ गया। गोकर्ण जी ने पूछा ये कैसे, बोले कथा तो सबने श्रवण करी है फिर धुंधकारी के लिए ही क्यों विमान आया है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले कथा तो सबने श्रवण करी लेकिन मनन तो केवल धुंधकारी ने किया। कथा तो सबने श्रवण करी थी पर मनन तो धुंधकारी ने किया था, इसलिए सबके लिए विमान नहीं आए। अब की बार गोकर्ण जी ने श्रावण मास में पुनः कथा करी, सभी ने ध्यान पूर्वक श्रवण किया और अब की बार महाराज भगवान श्री हरि विमानों को लेकर के प्रकट हो गए और गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया और अपना स्वरूप प्रदान किया। और गोकर्ण जी महाराज सभी भागवत जी के श्रोताओं को लेकर के भगवान के धाम को चले गए। बोले भागवत भगवान की जय। अब देवेश्वर नारायण पूछते हैं किस भागवत श्रवण की क्या विधि है। तब श्री सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, बोले भागवत सुनने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तीन प्रकार के भागवत सुनने कथा सुनने वाले व्यक्ति होते हैं। पहला होता है श्रोता, जो सुनता है आचरण उस पे आचरण भी करता है। और दूसरा होता है श्रोता, जो आया कमी निकालने के लिए। अरे अभी तो महाराज जी ने भजन ही नहीं गाया, कोई चुटकुला ही नहीं सुना रहे। और तीसरा होता है सोता, जो महाराज सोने के लिए आता है। ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ थोड़ा आराम मिले। तीन प्रकार के कथा सुनने वाले होते हैं लेकिन कल्याण तो केवल श्रोता का होता है, जो सुनता भी है उस पर आश्रय भी करता है। इसलिए अपने आप को श्रोता बनाने के लिए प्रयास करो। और भागवत जी का वक्ता कैसा होना चाहिए। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांतो कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए।
वेद शास्त्रों की स्पष्ट व्याख्या करने वाला होना चाहिए, दृष्टांत कृष्णोधीरो दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, ऐसा भागवत का वक्ता होना चाहिए। और बोले भागवत जी को कैसे सुना जाता है? बोले भागवत जी को महाराज व्रत रह करके सुना जाता है, निराहार। अब महाराज इतनी क्षमता नहीं है कि बिना गाय कथा सुनो तो प्रसाद पा लो, लेकिन इतना पाओ कि कथा में आलस ना आए, निद्रा देवी आपको सता ना पावे, इतना खाओ। लेकिन कैसे भी करो लेकिन कथा तो सुनो ही सुनो। और महाराज भागवत जी का पूजन करे, वन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा देवे। अब महाराज फिर भागवत जी भगवान का कीर्तन करने लगे। और जैसे ही महाराज कीर्तन को सुना तो भागवत कथा श्री भगवान के परम भक्त प्रहलाद ताली बजाने लगे और अर्जुन राग रागनी गाने लगे और सनकादि मुनीश्वर जय घोष करने लगे। और महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों में इतना तीनों ने इतना दिव्य नृत्य किया कि महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। आइए हम सभी लोग भी अपने मन को भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन में समर्पित करें। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार I'm
रंग बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, पार्वती बदय हर हर महादेव। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। देखिए आप सभी को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा शुभ अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक माँ की गोद में बैठकर एक छोटी सी बालिका श्रीमद् भागवत की कथा को कह रही है, इस मंच पर बैठना कोई साधारण बात नहीं है। जो आज एक छोटी सी नन्ही सी बालिका यहाँ पर आप सभी के समक्ष श्रीमद् भागवत की कथा को कह रही है, क्योंकि भागव देन बहु जन्म समर जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। आपके एक जन्म के नहीं, एक करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदय हुए हैं, तब आप श्री धाम वृंदावन में इस श्री ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हैं। आपको यह श्रीमद् भागवत की कथा, यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है भैया, इसलिए आपको ये 7 दिवस मिले हैं, इसलिए आप सभी यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें और मनन करें, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी के साथ हम सभी अब आरती करेंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी आरती करेंगे बड़े भाव से, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम इद गंग बेहि प्रजननम मे अस्तदश वीर गंग सर्वगण गंग सुस्तय आत्मसन प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्न वय सनि अग्नि प्रजा बहुला मे करो त्वन्नम पयोरे तो अस्मा शोधतो। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बड़े भाव से आरती करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरिधर तेरी आरती, उतारूं है गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम मेरे पास है, हर
प्रणाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ त्वमेव सर्वं मम देव।